भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण ने मंगलवार को एक महिला पत्रकार का माइक तोड़ दिया। महिला पत्रकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रजभूषण से सवाल पूछने शुरू किए। ब्रजभूषण ने किसी भी सवाल का सही ढंग से जवाब नहीं दिया। गाड़ी में बैठते वक्त ब्रजभूषण ने जबरन दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त महिला पत्रकार का हाथ व माइक अंदर की तरफ था, जिससे माइक नीचे गिर गया और ब्रजभूषण के सुरक्षाकर्मी ने जबरन महिला पत्रकार का हाथ बाहर झटक दिया। वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार है। ब्रजभूषण के खिलाफ कुल 17 गवाहों ने छेड़छाड़ की पुष्टि की है। इनमें 5 गवाह पहलवानों के पति या परिवार के लोग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13 जून की चार्जशीट में सेक्शन 506, 354, 354 ए और 354 डी लगाते हुए ये भी कहा गया है कि एक मामले में ब्रजभूषण की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।